Welcome everyone. In this video, we have started chapter number 12, which name is Vapor Power Cycle. In the previous video lectures, we had discussed basics, engineering, thermodynamics. Now we have started application of engineering thermodynamics. बेसिक्स इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 115 तक था, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा है लेक्चर नंबर 116 से। इसके अंदर टोटल चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है वेपर पावर साइकिल, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13, दिस इज गैस पावर साइकिल। चैप्टर नंबर 14, इसके अंदर हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15, साइक्रोमेट्रिक। ये दोनों चैप्टर्स आरएसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो वेपर पावर साइकिल है, ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी सेम टॉपिक डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम चैप्टर नंबर 17, कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। ठीक है, तो टोटल 5 चैप्टर हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, वेपर पावर साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल के 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, पावर जनरेशन साइकिल्स और रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। पावर जनरेशन साइकिल्स के एग्जांपल्स हो गए इंजन्स, स्टीम पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जेट इंजन, जेट प्रोपल्शन इंजन्स, ठीक है। तो जितने भी इंजन्स होते हैं जिससे हम पावर जनरेट करते हैं, तो वो पावर जनरेशन साइकिल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। दूसरे टाइप का थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसके एग्जाम्पल्स हो गए एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप्स। नेक्स्ट आप सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल का, जिसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, गैस साइकिल और दूसरा है वेपर साइकिल, ठीक है। गैस साइकिल के अंदर क्या होगा, पूरे साइकिल के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है उसका फेज गैसियस नेचर का होगा, ठीक है। फेज 1, ठीक है, सिंगल फेज होगा और इसका नेचर कैसा है, गैसियस नेचर है। वेपर साइकिल के अंदर, पूरे साइकिल के अंदर आधा साइकिल जो वर्किंग फ्लूइड का वो लिक्विड नेचर का होगा और आधा साइकिल वेपर नेचर का होगा। तो यहाँ पे टोटल फेज कितने हो गए, टोटल फेज 2 हो गए, ठीक है। कौन कौन से, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड कैटेगरी देखते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल का, जिसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लोज साइकिल और ओपन साइकिल। क्लोज साइकिल रीड करते हैं, द वर्किंग फ्लूइड इज रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ द साइकिल एंड इज रीसर्कुलेटेड। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर यूज होता है, ठीक है। बॉयलर से वर्किंग फ्लूइड टर्बाइन के अंदर जाता है, टर्बाइन से वर्किंग फ्लूइड कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से वर्किंग फ्लूइड हीट पंप में जाता है, ठीक है, और हीट पंप से वापस से बॉयलर में आता है। तो इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है, वाटर यूज होता है, ठीक है। बॉयलर से निकला, टर्बाइन में गया, टर्बाइन से कंडेंसर में, कंडेंसर से हीट पंप, हीट पंप से बॉयलर, और वापस से क्या होता है, ये इस तरीके से रीसर्कुलेट होता रहता है सेम वाटर, ठीक है। अब यहां पर ओपन साइकिल में देखो, द वर्किंग फ्लूइड इज रिन्यू एट द एंड ऑफ ईच साइकिल इंस्टेड ऑफ बींग रीसर्कुलेटेड। इसके अंदर देखो, एक साइकिल, जब ये सिलेंडर पिस्टन, एक साइकिल इसका इस तरीके से कंप्लीट होता है, ऊपर फिर नीचे, ठीक है। तो एक साइकिल के अंदर देखो, एयर फ्यूल मिक्सर जो इसके अंदर ऐड हुआ है, ये जलने के बाद यहां से एग्जॉस्ट के जरिए ये निकल जाता है। अब जो नेक्स्ट साइकिल होगा उसमें दूसरा एयर फ्यूल मिक्सर ऐड होगा, ठीक है। तो हर साइकिल पे एयर फ्यूल मिक्सर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे किसका, ओपन साइकिल का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं स्टीम पावर प्लांट का। सो किसी भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर टोटल 4 मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, टर्बाइन, कंडेंसर, फीड वाटर पंप और बॉयलर, ठीक है। अरेंजमेंट इसकी इसी तरीके से है, टर्बाइन, कंडेंसर, फीड वाटर पंप, बॉयलर, ठीक है। इस तरीके से पूरा साइकिल होता है, और इसके अंदर जो साइकिल यूज होता है उसको हम कहते हैं वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसके टोटल 2 फेज होते हैं, ठीक है। दो फेज होते हैं, कौन कौन से, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है। आधा साइकिल लिक्विड का होगा, आधा साइकिल वेपर का होगा, ठीक है। और ये कैसा साइकिल है, ये क्लोज्ड साइकिल है, ठीक है। बॉयलर से टर्बाइन, टर्बाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से फीड वाटर पंप और फीड वाटर पंप से बॉयलर, इस तरीके से ये जो साइकिल है ये रीसर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। तो ये क्लोज साइकिल है,
और इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड वाटर यूज हो रहा है, ठीक है, तभी इस पावर प्लांट का नाम है स्टीम पावर प्लांट, बिकॉज वर्किंग फ्लूइड इसके अंदर वाटर यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। तो यहां से देखो, जब भी वर्किंग फ्लूइड कंडेंसर से निकलता है तो उसका वो लिक्विड नेचर का होता है, ठीक है, और यहां पे ये लो प्रेशर में है, लो प्रेशर लिक्विड है, ठीक है। फीड वाटर पंप के अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है, वाटर पंप का काम क्या है, प्रेशर इंक्रीज करना। तो ये वर्किंग फ्लूइड जब वाटर पंप से निकलेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा इस पंप के अंदर। सो दिस इज WP, WP अमाउंट हमने वर्क सप्लाई किया वाटर पंप के अंदर, जिसने प्रेशर इंक्रीज कर दिया किसका, लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कंडेंसर से वाटर पंप और वाटर पंप से बॉयलर, ठीक है। आधे साइकिल के अंदर कैसा फेज है, लिक्विड फेज है, ठीक है। आप देखो बॉयलर से जब लिक्विड निकलेगा तो इसका फेज चेंज हो जाएगा, ये वेपर फेज में होगा, ठीक है। प्रेशर सेम रहेगा, जो प्रेशर यहाँ पे था वही प्रेशर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सपोज दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ, ठीक है। तो जो P2 है वही, मतलब P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो लिक्विड में हम हीट ऐड करेंगे तभी वो वेपर फेज में जाएगा, तो इसके अंदर बॉयलर के अंदर हमें हीट सप्लाई करना पड़ता है Q1। अब ये हीट सप्लाई करते हैं हम कोयल के जरिए या फिर न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए, ठीक है। अगर हम फ्यूल में कोयल यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे थर्मल पावर प्लांट, अगर न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। यहां से बॉयलर में हीट सप्लाई हो रहा है और यहां से फ्लू गैसेस निकलते हैं, फ्लू गैसेस हो गए CO2, NO2, SO2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, बॉयलर के अंदर हमने हीट सप्लाई किया है, ठीक है। तो वाटर पंप ने क्या किया था, प्रेशर इंक्रीज किया था, बॉयलर ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेपर है तो इसको हम स्टीम भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड कैसा है, वाटर है, ठीक है। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जब टर्बाइन के कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, टर्बाइन के अंदर बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं, वो रोटेट करते हैं और वो ब्लेड्स शाफ्ट के जरिए कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और ये शाफ्ट जनरेटर के अंदर जाता है, ठीक है। तो जनरेटर के अंदर ये रोटेटिंग शाफ्ट है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं किसके जरिए, इन फ्यूल्स के जरिए, कोयल और न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर है केमिकल एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी फिर फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो टर्बाइन से जब वर्किंग फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी इसका नेचर भी कैसा होगा, ये भी स्टीम ही निकलेगा, ठीक है, बिकॉज टर्बाइन ने क्या किया, सिर्फ प्रेशर को रिड्यूस किया है, ठीक है। हाई प्रेशर था, इसको लो प्रेशर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लो प्रेशर स्टीम जब कंडेंसर के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर का काम है लेटेंट हीट को रिमूव करना, हीट रिजेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या है, स्टीम में से हीट को निकालना, ठीक है। स्टीम में से जब हम लेटेंट हीट निकालेंगे तो इसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये वापस एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर में यहाँ पे देखो कूल्ड वाटर है, इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कूल वाटर जब कंडेंसर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है और कंडेंसर के अंदर क्या है, स्टीम है, ठीक है। तो स्टीम में से ये जो कूल्ड वाटर है आपस में हीट एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, इसको हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं, आपस में हीट एक्सचेंजर कर लेंगे और ये कूल वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वार्म वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो फीड वाटर पंप में हमने वर्क सप्लाई किया, बॉयलर के अंदर हमने हीट सप्लाई किया, टर्बाइन से हमें वर्क मिला है, दिस इज WT, ठीक है, और कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा साइकिल है, ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। अब इसी साइकिल को हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल, ठीक है, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल रैंकाइन साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्चुअल रैंकाइन साइकिल, ठीक है। सबसे पहले आइडियल रैंकाइन साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। द रैंकाइन साइकिल और रैंकाइन वेपर साइकिल इज द प्रोसेस वाइडली यूज्ड बाय पावर प्लांट सच एज कोल फायर्ड पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल पावर प्लांट में हम रैंकाइन साइकिल का यूज करते हैं, ठीक है। रैंकाइन साइकिल इज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल विच कन्वर्ट हीट इंटू मैकेनिकल एनर्जी एंड उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। किसकी मदद से, जनरेटर की मदद से, ठीक है। तो
तो ये हम पूरा रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन साइकिल में एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है, केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल जो चल रहा है इसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट आप रैंकाइन साइकिल के स्टेप्स डिस्कस करते हैं। टोटल 4 स्टेप्स है रैंकाइन साइकिल में, पंप, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, ठीक है। तो ये हमारा कुछ अरेंजमेंट है रैंकाइन साइकिल का, बॉयलर, बॉयलर से टर्बाइन, टर्बाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से पंप, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रैंकाइन साइकिल है, ठीक है। डायरेक्शन देख लो साइकिल का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। पहला स्टेप है पंप। पंप क्या कर रहा है, फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसमें हमें वर्क सप्लाई करना पड़ता है पंप को, WP, ठीक है। सपोज यहाँ पे प्रेशर है P1, टेम्परेचर है T1 और एंथैल्पी है H1, ठीक है। तो ये हीट पंप है, हीट पंप है तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर है T2, प्रेशर है P2, एंथैल्पी है H2, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक है, और T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है वो लिक्विड नेचर का है, ठीक है, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। अब सैचुरेटेड लिक्विड बॉयलर के अंदर जा रहा है, बॉयलर के अंदर हम हीट सप्लाई करते हैं, दिस इज Q1, Q1 अमाउंट हमने इसके अंदर हीट सप्लाई किया। हीट कहां से सप्लाई हो रहा है, कोयल से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हीट सप्लाई हो रहा है और ये सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड में जब हम हीट ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज्यादा हीट अगर ऐड हो गया तो ये सुपर हीटेड वेपर भी हो सकता है, सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। और वर्किंग फ्लूइड अगर वाटर है तो इसको हम कहेंगे स्टीम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर होगा P3, टेम्परेचर होगा T3, एंथैल्पी होगा H3, ठीक है। तो बॉयलर में हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सो T3 इज ग्रेटर देन T2, ठीक है, बट प्रेशर सेम रहेगा, P2 इज इक्वल टू P3, ठीक है। अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, हाई प्रेशर, प्रेशर पंप ने इंक्रीज किया था हाई प्रेशर, और टेम्परेचर बॉयलर ने इंक्रीज कर दिया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जब टर्बाइन से जाएगा, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लो प्रेशर स्टीम में, ठीक है, और टेम्परेचर भी इसका रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज T4, P4 और एंथैल्पी है H4, ठीक है। सो P3 इज ग्रेटर देन P4 एंड टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है, सो T3 इज ग्रेटर देन T4, ठीक है। टर्बाइन का काम है वर्क प्रोड्यूस करना, सो दिस इज टर्बाइन वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वापस से लो प्रेशर स्टीम किसके अंदर एंटर हो रहा है, कंडेंसर के अंदर एंटर होगा। कंडेंसर का काम क्या होगा, कंडेंसर लो प्रेशर स्टीम से क्या करेगा, लेटेंट हीट रिमूव कर लेगा, ठीक है। लेटेंट हीट ये जब रिमूव करेगा तो वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है, बॉयलर के अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, टर्बाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, पंप के अंदर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। तो ये टोटल 4 स्टेप्स है रैंकाइन साइकिल्स के, ठीक है। पंप, कंप्रेशन ऑफ द फ्लूइड टू हाई प्रेशर यूजिंग अ पंप, ठीक है। पंप के अंदर हमने वर्क सप्लाई किया है, दिस इज WP। बॉयलर, बॉयलर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कंप्रेस्ड फ्लूइड इज हीटेड टू द फाइनल टेम्परेचर, और यहाँ पे फेज भी चेंज हो रहा है बॉयलर के अंदर, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। टर्बाइन के अंदर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज WT, ठीक है, दिस इज टर्बाइन वर्क। कंडेंसर, कंडेंसर क्या कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, या तो ये कूलिंग वाटर कूलिंग टावर में हीट को रिजेक्ट करेगा या फिर लेक या रिवर में हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हीट रिजेक्ट कर रहा है और इसके अंदर भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो कंडेंसर के अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बॉयलर के अंदर फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 स्टेप्स है इसके रैंकाइन साइकिल के। अब कुछ एजम्पशंस है रैंकाइन साइकिल का, उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। आइडियल रैंकाइन साइकिल का एजम्पशंस है, ठीक है। एक्चुअल रैंकाइन साइकिल का इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एजम्पशन देखो, द साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व एनी फ्रिक्शन। इस पूरे साइकिल के अंदर जो फ्रिक्शन है वो जीरो एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण से द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी प्रेशर ड्रॉप एज इट फ्लो इन पाइप और डिवाइस सच एज हीट एक्सचेंजर्स। देखो यहाँ पे P2 प्रेशर था और यहाँ पे P3 था, ठीक है। तो बॉयलर के अंदर हमने हीट सप्लाई किया, प्रेशर तो सेम है, P2 इज इक्वल टू P3, वैसे यहाँ पे प्रेशर है P4 और यहाँ पे प्रेशर है P1, तो P1 इज इक्वल टू P4 होगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर कॉन्स्टेंट इसलिए है बिकॉज फ्रिक्शन इस पाइप के अंदर जीरो है। अगर पाइप के अंदर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो ये दोनों प्रेशर आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उस केस में क्या होगा, P2 इज ग्रेटर देन P3 होगा, ठीक है। बिकॉज जब इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड फ्लो करेगा और फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के कारण से कुछ प्रेशर ड्रॉप जरूर होगा, ठीक है, जिसको हम एक्चुअल रैंकाइन साइकिल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आइडियल रैंकाइन साइकिल है तो एज्यूम कर लेते हैं पूरे जगह फ्रिक्शन जीरो है, ठीक है, जिसके कारण से बॉयलर और कंडेंसर में जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट।
नेक्स्ट असम्पशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन अ क्वासी इक्विलिब्रियम मैनर। एक्सपेंशन किसके अंदर हो रहा है? टर्बाइन के अंदर हो रहा है। टर्बाइन के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है पंप के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो दो प्रोसेस हो रहे हैं कि क्वासी इक्विलिब्रियम, क्वासी इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो हो गया, केमिकल रिएक्शन जीरो हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हम हीट सप्लाई करेंगे, मतलब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल और स्लो प्रोसेस। ठीक है, ये अज्यूम किया है। थर्ड अजम्पशन है, द पाइप कनेक्टिंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम्स आर वेल इंसुलेटेड एंड हीट ट्रांसफर थ्रू देम इज अ नेग्लिजिबल। ये जो पाइप है, इस पाइप में से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम टू सराउंडिंग, ये जीरो है, मतलब इंसुलेटेड पाइप हमने यूज किया है। ठीक है, ये टर्बाइन भी इंसुलेटेड है। ठीक है, बट एक्चुअल रैंकिन साइकिल के अंदर इस पाइप में से कुछ ना कुछ अमाउंट जो हीट होगा वो भी सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये पूरा पाइप क्या है? इंसुलेटेड है। ये पंप भी इंसुलेटेड है। सो यहाँ पे आइडियल रैंकिन साइकिल के अजम्पशंस डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम इन चारों डिवाइसेस पे इक्वेशंस निकालते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, एनर्जी, इनलेट एनर्जी इज इक्वल टू आउटलेट एनर्जी। ठीक है, तो इनलेट एनर्जी पे हो गया क्यू इन प्लस एंथैल्पी इन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनलेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन प्लस डब्ल्यू इन। ठीक है, इज इक्वल टू Q out, H out, plus W out, plus kinetic energy outlet, plus potential energy out. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, ये चारों डिवाइसेस, पंप, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर, ये चारों स्टेडी फ्लो डिवाइसेस हैं। तो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस में जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोर अजम्पशंस भी लिख लो, बॉयलर, कंप्रेसर, कंडेंसर, टर्बाइन और हीट पंप। ठीक है, हीट पंप, ये चारों कैसे है? हमारे स्टेडी फ्लो डिवाइस है, दे आर स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनर्जी इक्वेशन। यहां पे एनर्जी इक्वेशन लिख देते हैं, क्यू इन प्लस एच इन प्लस डब्ल्यू इन इज इक्वल टू क्यू आउट प्लस। ठीक है, ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे इन चारों डिवाइसेस पे। ठीक है, तो आइडियल रैंकिन साइकिल में टोटल फोर प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस वन से टू, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। ठीक है, ये है वन और ये है सेकंड। ठीक है, तो पहला, फर्स्ट से सेकंड जब वर्किंग फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस वन से टू, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं हम फ्लूइड का। ठीक है, और ऊपर से हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, इस पंप, ये पंप कैसा है? इंसुलेटेड है, तो ना तो इसमें हीट एनर्जी ऐड हो रहा है और ना ही हीट एनर्जी रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो क्यू इन और क्यू आउट पंप के केस में जीरो हो गया। ठीक है, और पंप के अंदर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वर्क डन बाय द पंप क्या है? जीरो है। ठीक है, वर्क नहीं मिल रहा हमें पंप से, तो यहाँ पे डब्ल्यू आउट भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एच इंथैल्पी इनलेट। इनलेट इंथैल्पी क्या है? वन है, तो इसको हम एच वन से डिनोट करते हैं। एच वन प्लस इनलेट वर्क क्या है? डब्ल्यू पी। ठीक है, डब्ल्यू पी इज इक्वल टू आउटलेट हीट जीरो है, एच आउट है, यहाँ पे आउटलेट इंथैल्पी है सेकेंड, मतलब एच टू। ठीक है, सो पंप वर्क हो गया एच टू माइनस एच वन, दिस इज पंप वर्क। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये ओपन सिस्टम है, पंप ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वी एंड दिस इज पी टू माइनस पी वन। ठीक है, ये पंप वर्क ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हो गया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन इसलिए बिकॉज हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं पंप के अंदर। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है टू से थ्री, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन अ बॉयलर। प्रोसेस टू से थ्री, दिस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर हम हीट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बॉयलर से हमें वर्क मिल रहा है,
नहीं मिल रहा, सो डब्ल्यू आउट जीरो। क्या हम बॉयलर पे वर्क कर रहे हैं? नहीं, सो डब्ल्यू इन जीरो। और ये जो बॉयलर है ये इंसुलेटेड है, ठीक है, तो सिस्टम टू सराउंडिंग जो हीट ट्रांसफर है उसको नेग्लिजिबल है, मतलब क्यू आउट भी क्या है, जीरो। ठीक है, तो आप एनर्जी इक्वेशन में देखो, ये हो जाएगा क्यू इन, क्यू इन, क्यू इन कितना है, क्यू वन के इक्वल है, दिस इज क्यू वन, ठीक है, प्लस इनलेट इंथैल्पी कितना है, इनलेट इंथैल्पी है एच टू, ठीक है, बॉयलर के अंदर जो इंथैल्पी एंटर कर रही है वो है एच टू, ठीक है, और आउट हो रहा है एच थ्री, ठीक है, बस बाकी सब जीरो है, ठीक है, सो दिस इज क्यू वन, क्यू वन इज इक्वल टू एच थ्री माइनस एच टू, ये है हमारा हीट सप्लाई इन बॉयलर। नेक्स्ट प्रोसेस थ्री से फोर, ठीक है, थ्री से फोर इस प्रोसेस का नाम है, थर्ड प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टर्बाइन, ठीक है, ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, तो इस टर्बाइन में देखो, टर्बाइन में हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है, तो दिस इज आउटलेट वर्क डब्ल्यू टी, ठीक है, आउटलेट इंथैल्पी कितनी है, एच फोर, इनलेट इंथैल्पी है एच थ्री, ठीक है, बाकी ये इंसुलेटेड टर्बाइन है, ठीक है, तो ना सिस्टम से हीट ऐड हो रहा है ना ही रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो टर्बाइन वर्क इज इक्वल टू एच फोर, दिस इज एच थ्री माइनस एच फोर, ठीक है, ये हो गया टर्बाइन वर्क। लास्ट प्रोसेस, प्रोसेस फोर, फोर से वन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन अ कंडेंसर, प्रोसेस फोर से वन, दिस इज आइसोबारिक, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है, तो कंडेंसर में, कंडेंसर में देखो हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो इस तरफ Q2 आएगा, ठीक है, आउटलेट इंथैल्पी कितना है H1, इनलेट इंथैल्पी कंडेंसर में जो इंथैल्पी एंटर कर रही है वो है H4, ठीक है, बाकी कंडेंसर के अंदर ना ही हम वर्क सप्लाई करते हैं, ठीक है, ना ही वर्क सप्लाई करते हैं और ना ही वर्क मिलता है, ठीक है, तो आउटलेट और इनलेट वर्क जीरो हो गया, ठीक है, Q2 इज इक्वल टू H4 माइनस H1, ठीक है, दिस इज हीट रिजेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब इस पूरे साइकिल की हम एफिशिएंसी निकालते हैं, सो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है, ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन होता है। अब यहां पे हम नेट वर्क डन निकालते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं, अगर प्रोसेस हो रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक्सप्रेशन होता है ये, ठीक है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है तो इसमें एक्सप्रेशन होता है नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क, ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसमें इसमें एक बार साइन कन्वेंशन देख लो, जब भी हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम में तो पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन होता है तो नेगेटिव, ठीक है, ऐसे ही जब हम वर्क सप्लाई करते हैं सिस्टम में तो दिस इज नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है, तो नेट हीट निकालते हैं इस रैंकाइन साइकिल में, देखो क्यू वन अमाउंट हीट इस सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है, बॉयलर के अंदर ऐड हो रहा है, तो हीट सप्लाई इज पॉजिटिव, ठीक है, और कंडेंसर से हीट रिजेक्ट हो रहा है, सो दिस इज माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, माइनस क्यू टू, टर्बाइन से वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, सो दिस इज प्लस डब्ल्यू टी, और जो पंप है इसमें हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो दिस इज माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नेट हीट किसके इक्वल है, क्यू वन माइनस क्यू टू के, और नेट वर्क किसके इक्वल है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी के, ठीक है, तो एफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, ठीक है, टर्बाइन वर्क इज इक्वल टू एच थ्री माइनस एच फोर, ठीक है, पंप वर्क इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, एंड दैट इज इक्वल टू एच थ्री माइनस एच टू, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी हो गया हमारा रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है, याद रखना ये एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन जब होगा जब हम इसमें पंप वर्क कंसिडर करेंगे, पंप वर्क इज कंसिडर, ठीक है, एक केस ले लेते जब हम पंप वर्क नहीं कंसिडर करेंगे, व्हेन पंप वर्क इज जीरो, ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगा एच थ्री माइनस एच फोर, H3 माइनस H2, ठीक है, ये एफिशिएंसी होगा, इसी एफिशिएंसी को हम ऐसे भी कहते हैं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन,
ठीक है, ये स्पेशल केस है बिकॉज हम ऐसा अज्यूम करते हैं जो टर्बाइन वर्क है वो ग्रेटर देन होगा पंप वर्क के, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, टर्बाइन वर्क के, ठीक है। इसका रीजन है, रीजन समझते हैं व्हाई पंप वर्क इज नेग्लेक्ट, रीजन समझते हैं इसका। देखो जो पंप है इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है वो सैचुरेटेड लिक्विड एंटर कर रहा है और टर्बाइन के अंदर वर्किंग फ्लूइड सैचुरेटेड वेपर एंटर करता है, ठीक है। यहां पे देखो पंप वर्क कैसा है, जो पंप है ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। ओपन सिस्टम में वर्क का एक्सप्रेशन ये होता है डीपी, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड एंड दिस इज पी टू माइनस पी वन, दिस इज पंप वर्क। वैसे ही टर्बाइन वर्क होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड वेपर, तो यहां पे वीजी आ जाएगा एंड दैट इज प्रेशर, देख लेते एक बार, दिस इज पी फोर माइनस पी थ्री, ठीक है। आप स्टीम टेबल में देखो ये है सैचुरेटेड लिक्विड और ये है सैचुरेटेड वेपर। तो यहां पे देखो वीजी और वीएफ में कंपेयर करो तो वीएफ देखो काफी स्मॉल वैल्यू है 0.001023। तो जब हम इसको जो स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड वेपर इज मच ग्रेटर देन स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे वीएफ की वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो जो डब्ल्यू पी है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के आसपास आएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पंप वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन भी है, एक तो ये हो गया वीएफ इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन और जो पंप वर्क है इसका एक्सप्रेशन अभी हमने ड्राइव किया था दैट इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, ठीक है। सो पी टू माइनस पी वन एंड दिस इज एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू वीएफ प्लस पी टू माइनस पी वन, एच टू इज इक्वल टू एच वन प्लस स्पेसिफिक वॉल्यूम पी टू माइनस पी वन, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम देखो 0.00 है तो इसको हम जीरो अज्यूम करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखो कोई भी वैल्यू इसमें लिखोगे भी तो जब इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। तो एच टू इज इक्वल टू एच वन, ठीक है। तो यहाँ पे एच टू एच वन इक्वल हो गया तो ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी जब हम इसमें पंप वर्क नेग्लेक्ट कर देंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकाइन साइकिल हो गया, आप इसमें टीएस डायग्राम देख लेते हैं इसका, रैंकाइन साइकिल का। इस टीएस डायग्राम में देखो ये जो कर्व है इसके अंदर होता है लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर, ठीक है, और ये होता है वेपर एंड दिस इज लिक्विड, ठीक है। ये है क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ ये जो कर्व है ये है सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट के इस तरफ यह है ये जो कर्व है दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। अब यहां पे इसका कर्व बनाते हैं, टीएस डायग्राम बनाते हैं रैंकाइन साइकिल का। तो सबसे पहले देखो वन से टू पंप कैसा है, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन मतलब एंट्रॉपी कॉन्स्टेंट रहेगा और इसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है वो है सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। तो सैचुरेटेड लिक्विड मतलब यहां से स्टार्ट होगा, एंट्रॉपी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एंट्रॉपी कॉन्स्टेंट, तो इस तरीके से सीधा लाइन बनेगा, दिस इज वन एंड दिस इज टू, ठीक है। बॉयलर के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम हीट ऐड करते हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर टीएस डायग्राम में इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला लाइन, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड और थर्ड पॉइंट ये है एंड दिस इज सैचुरेटेड वेपर, तो सैचुरेटेड वेपर ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो सेकंड टू उसके बाद ये हो गया थर्ड पॉइंट, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर। अब थ्री से फोर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपी मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट। अभी भी जो टर्बाइन में से जब वेपर निकलता है तो इसको भी हम स्टीम कहते हैं। अब स्टीम में लिक्विड भी होता है और वेपर भी होता है, तो ये जो स्टीम है ये लिक्विड प्लस वेपर मिक्सर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, ठीक है, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन। उसके बाद कंडेंसर में हीट रिजेक्ट करते हैं तो वापस से ये किसमें आ जाएगा, जो स्टीम है वो सैचुरेटेड लिक्विड पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो थ्री से फोर में डब्ल्यू टी, वन से फोर में हीट रिजेक्ट हो रहा है, दिस इज क्यू टी, दिस इज क्यू टू, ठीक है, और टू से थ्री में हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज क्यू वन
एंड वन से टू में हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज डब्ल्यू पी। ठीक है, तो ये टी एस डायग्राम हो गया, ऐसी एच एस डायग्राम है और ये है पीवी डायग्राम। ठीक है, दिस इज वन टू थ्री फोर। ठीक है, तो ये चारों आइडियल रैंकिन साइकिल के टी एस डायग्राम, एच एस डायग्राम और पीवी डायग्राम। ठीक है, हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, व्हाई स्टीम इज मोस्ट कॉमनली यूज इन वेपर पावर साइकिल। स्टीम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज लो कॉस्ट होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसका हाई होता है और इजिली अवेलेबल होता है ये। ठीक है, इसलिए हम पावर प्लांट में स्टीम यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम मीन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं। मीन टेम्परेचर को टी एम से डिनोट करते हैं। मीन टेम्परेचर इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज जो एफिशिएंसी होता है रैंकिन साइकिल का वो मीन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम मीन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगा रैंकिन साइकिल का। ठीक है, ये टी एस डायग्राम है रैंकिन साइकिल का, जिसमें ये है वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। ठीक है, अब इसमें मीन टेम्परेचर कहाँ, मीन टेम्परेचर क्या होगा उसको समझते हैं। इन रैंकिन साइकिल हीट इज एडेड रिवर्सिबली एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर बट एट इनफाइनाइट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, देखो बॉयलर के अंदर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q1 अमाउंट का हीट सप्लाई कर रहे हैं और ये प्रोसेस कैसा है, 2 से 3, 2 से 3 मतलब आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, 2 से 3 आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस, Q1 अमाउंट ऑफ हीट इसमें ऐड किया, 1 से 4 में हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 से 3 में टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है, पहले यहाँ से चेंज हुआ फिर कॉन्स्टेंट फिर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चेंज हो रहा है फिर कॉन्स्टेंट हो रहा है फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं इनफाइनाइट टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक टेम्परेचर ले लेते हैं इस तरीके से, दिस इज मीन टेम्परेचर। ठीक है, तो रैंकिन साइकिल में हम इस तरीके से मीन टेम्परेचर कंसिडर कर लेते हैं, मतलब एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है, कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी होता है 1 माइनस दिस इज सिंक टेम्परेचर। ठीक है, और ये हो गया सोर्स टेम्परेचर। ठीक है, This is 1 minus sink temperature हो गया T3, source temperature हो गया, source temperature है T3। ठीक है, sink temperature है, sink temperature जिस पे heat reject हो रहा है, this is 4। ठीक है, so this is T4। ये हमारा Carnot cycle का efficiency, वैसे Rankine cycle का efficiency देखो, efficiency of Rankine cycle is equal to 1 minus sink temperature तो same है T4। ठीक है, but यहाँ पे जो source temperature है, सोर्स टेम्परेचर देखो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो रहा है फिर कॉन्स्टेंट हो रहा है फिर चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मीन टेम्परेचर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है किसका, रैंकिन साइकिल का, और ये एफिशिएंसी है किसका, कार्नोट साइकिल का। ठीक है, आप इसी में देखो मीन टेम्परेचर का एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इसको हटा देते हैं, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है बॉयलर के अंदर इसका एक्सप्रेशन होता है H3 - H2 जो अभी हमने ड्राइव किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर वेरी कर रहा है 2 से 3 प्रोसेस में, तो हम यहाँ पे मीन टेम्परेचर ले लेते हैं। ठीक है, अब डेल्टा एस 2 से 3 प्रोसेस में देखो S3 इज इक्वल टू S4 बिकॉज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, 1 और 2 पे भी एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, सो डेल्टा एस को हम लिख सकते हैं S4 - S1, दिस इज डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, दिस इज S4 - S1 एंड Q1 का वैल्यू कितना है, H3 - H2, दिस इज Tm। ठीक है, सो मीन टेम्परेचर इज इक्वल टू H3 - H2, दिस इज S4 - S1। ठीक है, ये हो गया मीन टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे हम हीट ऐड करते हैं। ठीक है, इसी टेम्परेचर पे हम हीट ऐड करते हैं रैंकिन साइकिल में। ठीक है, तो ये हो गया मीन टेम्परेचर। अब एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी अगर हम कंपेयर करेंगे रैंकिन साइकिल का या फिर कार्नोट साइकिल का, किसका एफिशिएंसी ग्रेटर देन होगा, तो हमें पता है कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू रैंकिन। ठीक है, और रीजन भी देख लेते हैं, बिकॉज T3 और Tm में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो T3 ये है एंड दिस इज Tm। ठीक है, सो T3 इज ग्रेटर देन Tm, तो जब वैल्यू डालोगे तो ऑटोमेटिकली कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगा और रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी लोअर आएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज लोअर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो यहां पर अगर हमें एफिशिएंसी रैंकिन साइकिल का इंक्रीज करना है तो हमें मीन टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, सो एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज द फंक्शन ऑफ मीन टेम्परेचर। ठीक है, नोट करके लिख देते हैं, higher the mean temperature,
हायर विल बी द एफिशिएंसी। ठीक है, तो याद रखना रैंकिन साइकिल का एफिशिएंसी मीन टेंपरेचर पे इंक्रीज करता है। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो मीन टेंपरेचर को भी हमें इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट अब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस। टोटल चार प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेस इन रैंकिन साइकिल। रैंकिन साइकिल में इनके करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं। तो रैंकिन साइकिल देखो, बॉयलर, बॉयलर से वर्किंग फ्लूइड टर्बाइन के अंदर जाता है, टर्बाइन से कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर से पंप, ये साइकिल है। ठीक है, सो दिस इज वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, तो पहला बॉयलर, बॉयलर हो गया कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, बॉयलर है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। और उसके बाद टर्बाइन, टर्बाइन, टर्बाइन के अंदर कैसा प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, तो ये हो गया थर्ड। ठीक है, उसके बाद कंडेंसर, कंडेंसर के अंदर होता है कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, सो ये हो गया फोर्थ। और पंप, पंप के अंदर एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को एडियाबेटिक कंप्रेशन भी कहते हैं, वैसे ही आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो ये है हमारा साइकिल। ठीक है, सीक्वेंस देखते हैं, वन टू थ्री फोर, वन थ्री फोर टू है, टू वन फोर थ्री, टू वन थ्री फोर। ठीक है, टू वन थ्री फोर, टू वन थ्री फोर, फिर टू, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एफिशिएंसी ऑफ द वेपर पावर रैंकिन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज रिजेक्टेड। सो एफिशिएंसी ऑफ रैंकिन साइकिल इज डिपेंड्स ऑन सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर। सिंक टेम्परेचर, दिस इज सोर्स टेम्परेचर। ठीक है, तो सोर्स टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सिंक टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तभी हमारा एफिशिएंसी रैंकिन साइकिल का इंक्रीज होगा। मतलब बॉयलर के अंदर, बॉयलर के अंदर ज्यादा टेम्परेचर पे हमें हीट को ऐड करना होगा, और कंडेंसर में जब हीट रिजेक्ट होगा तो उसे हम लोअर टेम्परेचर पे करेंगे। ठीक है, तब जो एफिशिएंसी है वेपर पावर साइकिल का वो इंक्रीज होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड एट विच हीट इज एडेड। जिस टेम्परेचर पे हम हीट ऐड कर रहे हैं वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए, तो इसलिए तो हमने यहाँ पे पंप लगाया हुआ है, बिकॉज वो लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, स्टीम जब टर्बाइन से, टर्बाइन की कॉन्टेक्ट में आएगा तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज करना है तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हमें इंक्रीज करना होगा बॉयलर के अंदर। ठीक है, तो सेकंड भी सही है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ पावर डेवलप बाय अ टर्बाइन इन अ सर्टेन स्टीम पावर प्लांट, टर्बाइन वर्क दे रखा है 1200 किलोवाट। ठीक है, इतना जनरेट कर रहा है। हीट सप्लाई टू बॉयलर इज 3360 किलो जूल पर केजी, हीट रिजेक्टेड हो रहा है 2520 किलो जूल पर केजी, फीड पंप वर्क रिक्वायर्ड टू कंडेंसेट बैक इनटू द बॉयलर इज, पंप वर्क है 6 किलोवाट। ठीक है, देन द मास रेट ऑफ फ्लो थ्रू द साइकिल विल बी, मास फ्लो रेट निकालना है हमें। ठीक है, पूरे रैंकिन साइकिल में जो स्टीम फ्लो रेट होगा वो कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, पूरा रैंकिन साइकिल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो ये होगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट सप्लाई। ठीक है, वर्क डन हो गया टर्बाइन वर्क माइनस पंप वर्क, दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, टर्बाइन वर्क कितना है 1200 है माइनस 3360 है Q1। अब यहाँ पे देखो किलो जूल पर केजी है, तो इसको मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, किलो वॉट्स में आ जाएगा। ठीक है, सो एम डॉट एंड दिस इज 3360 माइनस 2520। ठीक है, तो यहाँ से मास फ्लो रेट आ जाएगा 1.421 किलो जूल पर सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो किलो जूल पर केजी है, इसमें हम केजी पर सेकेंड, तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, किलो जूल पर किलो जूल डिवाइड बाय सेकेंड, ये होता है 1 किलो वॉट। ठीक है, इसलिए हमने मास फ्लो रेट से उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसका थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, एन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोड्यूस 10 मेगावाट ऑफ पावर कंज्यूमिंग 19×10^6 किलो जूल पर आवर ऑफ फ्यूल एनर्जी। फ्यूल एनर्जी मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया है, 19×10^6 किलो जूल पर आवर। ठीक है, और नेट वर्क डन पावर कितना मिल रहा है हमें, 10 मेगावाट, किलो वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज 10,000 किलो वॉट्स। कितना हीट इजेक्टेड हो रहा है वो निकालना है।
नेटवर्क डन। तो यहाँ पर देखो पावर 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 किसके इक्वल आएगा, Q1 माइनस Q2 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, Q2 निकालना है, दिस इज Q1 माइनस पावर। ठीक, Q1 है 90 × 10⁶ किलो जूल आवर में, इसको सेकंड्स में चेंज कर दो, ऐसा यूनिट्स होता है। ठीक है, किलो जूल पर सेकंड्स किलो वाट होगा, अभी बताया था, माइनस पावर कितना है। ठीक है, नेटवर्क डन यही पावर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 15 मेगावाट, 15 मेगावाट अमाउंट ऑफ हीट इजेक्ट होगा। सो फोर्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है।